आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो पार्ट जरूर देखें, इसके बाद आप इस पार्ट को देखें। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो हमने फॉर्मुलेज है वो किस तरीके से फॉर्मुलेज फ्रेम करेंगे। इसमें आएगा फर्स्ट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको निकालने में हमें चाहिए दो चीजों की जरूरत, एक आईपीएस और एक आईजीएस। आईपीएस मैंने आपको पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको बताया इनकम अर्निंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड इनकम अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगी एनडीपीएफसी। और आईजीएस, सपोज हमें आईजीएस ना गिवन हो तो हमें ये दो चीजें गिवन होगी, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये है हमारा एनडीपीएफसी निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड में हमने देखा था, हम अभी प्रीवियस वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें हमने फॉर्मुलेज देखे थे, सेकंड में हमने देखा था प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम पांच चीजों से निकलता है, आईपीएस प्लस एनएफआईए प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। इन पांचों चीजों को ऐड करने पे हमें प्राइवेट इनकम मिल जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम में से हम हमारा कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर देते हैं, रिटेन अर्निंग को माइनस कर देते हैं, तो हमें मिलती है पर्सनल इनकम। नेक्स्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो हमें मिलेगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और इसमें हमारा एक और फॉर्मूला है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने का फॉर्मूला है नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी बोलते हैं हम नेशनल इनकम को, प्लस एनआईटी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम इन तीनों चीजों को ऐड कर दे तो हमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं वन बाय वन, ताकि आपको क्लियर होगा कि प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं, पर्सनल कैसे निकालते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल कैसे निकालते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल कैसे निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आईपीएस इनकम अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर दे रखा है आपको 400, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 500, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 200, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट 300, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट 200, कॉर्पोरेट टैक्स 100, रिटेन अर्निंग 50, पर्सनल टैक्स 50, मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट 100। वी हैव टू फाइंड, अब हमें ये चीजें गिवन है और हमें निकालना क्या क्या है। पहले निकालने में प्राइवेट इनकम, सेकंड पर्सनल इनकम, थर्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट इनकम। हमें निकालनी प्राइवेट इनकम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइवेट इनकम किन चीजों से निकलती है, पांच चीजों से। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या वो पांचों चीजें गिवन है। आइए हम देखते हैं प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला। इनकम अर्निंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखते हैं इन पांचों चीजों के बारे में। आईपीएस हमें गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट हमें गिवन है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें गिवन है एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों चीजें हमें गिवन है। आपको करना कुछ नहीं है, आप इन पांचों चीजों को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगी आपकी प्राइवेट इनकम। मैंने 400 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200 टोटल 1600, ये हमारा आंसर आ गया है प्राइवेट इनकम का। अब जब आपने प्राइवेट इनकम निकाल ली, सेकंड में आपको निकालना था पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला होता है प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग। इस क्वेश्चन में प्राइवेट इनकम हमारी निकल गई 1600, हम एज इट इज 1600 रख देंगे। इसके बाद देखेंगे हमें क्वेश्चन में कहीं कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, गिवन है माइनस 100, और रिटेन अर्निंग हमें रिटेन अर्निंग गिवन है, गिवन है माइनस 50। तो 1600 माइनस 100 माइनस 50 आंसर आ जाएगा आपका 1450। आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको वैल्यू रखनी है, कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको फॉर्मुलेज याद रहेंगे तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड में हमें पूछा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किस तरीके से निकालेंगे। जब हमारी पर्सनल इनकम आ गई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। पर्सनल इनकम हमारी निकल गई है 1450 माइनस पर्सनल टैक्स। अब क्वेश्चन में हमें पर्सनल टैक्स गिवन है 50, हमने वैल्यू रखी, माइनस मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, मिसलिनियस रिसिप्ट भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 100, माइनस 100, तो हमारी निकल गई 1300। ये हमारी निकल गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज रखनी है, फॉर्मुलेज लर्न होंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं न्यूमेरिकल। एनडीपीएफसी हमें दे रखा है 5000,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 200, नेशनल डेट इंटरेस्ट 300, करंट ट्रांसफर फॉर गवर्नमेंट 200, कॉर्पोरेट टैक्स 100, रिटेन अर्निंग 50, पर्सनल टैक्स 50, मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट 100, इनकम अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर 2000। अब हमें बोला है कि प्राइवेट इनकम निकालिए। इस क्वेश्चन को देखते हुए आप जानते हैं कि प्राइवेट इनकम किन चीजों से निकलती है? पांच चीजों से। कौन कौन सी पांच चीजें? इनकम अर्निंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFIA प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस करंट ट्रांसफर फॉर गवर्नमेंट। अब देखिए क्या हमें इस क्वेश्चन में वो पांचों चीजें गिवन है, देखते हैं हम। NFIA हमें गिवन है, नेशनल डेट इंटरेस्ट हमें गिवन है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट हमें गिवन है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें गिवन है। हमें चार चीजें गिवन है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी IPS नजर नहीं आ रहा, जो हमारे प्राइवेट इनकम में IPS इनकम अर्निंग टू प्राइवेट सेक्टर हमें नजर नहीं आ रहा है इस पूरे क्वेश्चन में। हमें एक फॉर्मूला पता है NDPFC निकालने का। NDPFC निकलता किससे है? दो पार्ट होते हैं NDPFC के, IPS प्लस IGS। तो हमें क्वेश्चन के अंदर IGS गिवन है तो हम क्या करेंगे, और हमें NDPFC भी गिवन है तो हम NDPFC 5000 रखा। मुझे IPS गिवन नहीं है और IGS गिवन है, IGS गिवन है 2000 और NDPFC गिवन है 5000, तो 5000 में से मैं माइनस कर दूंगी 2000, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? IPS, यानी कि मेरी IPS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। तो मैं एज इट इज यहाँ पर जो भी आपको एक चीज गिवन नहीं है वो मैंने इस फॉर्मूले से निकाल ली, और इनकम अर्निंग टू प्राइवेट सेक्टर मेरा निकल गया 3000, तो मैं इनकम अर्निंग टू प्राइवेट सेक्टर में वैल्यू रखूंगी 3000 प्लस जो जो चीजें मुझे गिवन है उसकी मैंने वैल्यू रखी और अपना आंसर आ गया 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल, थोड़ा इससे और टिपिकल। GDPFC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है 5000, NFIA नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड गिवन है 500, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 200, नेशनल डेट इंटरेस्ट 300, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट 200, कॉर्पोरेट टैक्स 100, रिटेन अर्निंग 50, पर्सनल टैक्स 50, मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट 100, IGS इनकम अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर 2000, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है इसमें 1000, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है। हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए पहले हमें प्राइवेट इनकम निकालनी पड़ेगी, और प्राइवेट इनकम निकलती किन चीजों से? पांच चीजों से निकलती है, IPS प्लस NFIA प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट। अब देखिए क्या ये पांचों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखते हैं। हमें सब IPS हमें गिवन नहीं है, उसकी जगह हमें IGS गिवन है, NFIA गिवन है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन है, नेशनल डेट इंटरेस्ट हमें दे रखा है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट हमें दे रखा है, ये चारों चीजें हमें दे रखी है। वापस क्वेश्चन में हमें IPS गिवन नहीं है, IPS की जगह हमें IGS गिवन है, लेकिन IGS के अलावा हमें यहाँ पर गिवन है GDPFC गिवन है, हमें NDPFC गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें दे रखा है NDPFC हमें गिवन नहीं है, हमें GDPFC गिवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, GDPFC को NDPFC में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमें क्या लेस करना पड़ता है, माइनस के डेप्रिसिएशन। तो GDPFC हमें 5000 गिवन था और यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है 1000, तो पहले हम इसको माइनस कर लेंगे 5000 में से, माइनस डेप्रिसिएशन हमारा 1000 गया तो 4000, तो ये जो 4000 आएगा ये हमारी वैल्यू निकलेगी NDPFC, और इस NDPFC से हमें IPS और हमें पता है कि NDPFC को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक तो IPS इनकम अर्निंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनकम अर्निंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। इनकम अर्निंग टू गवर्नमेंट सेक्टर हमें 2000 गिवन है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 4000 गिवन है, ये 2000 गिवन है, तो IPS कितना निकल जाएगा 2000। तो हम इन पांचों चीजों को ऐड कर देंगे। अब हमारे प्राइवेट इनकम हमारी कैसे निकल जाएगी, IPS प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट। तो IPS अभी हमने निकाला, हमारा IPS कितना निकल जाएगा 2000, 2000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 300, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3200। ये हमारी आएगी प्राइवेट इनकम, और यहाँ हमें निकालनी है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम के बाद नेक्स्ट टर्म में हमें क्या निकालना पड़ेगा, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी, प्राइवेट इनकम में से हम क्या माइनस करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग। जब हमारी प्राइवेट इनकम आ गई 3200, कॉर्पोरेट टैक्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 100,
रिटेन्ड अर्निंग हमें क्वेश्चन में गिवन है 50, हमने एज इट इज वैल्यू रखी, क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला होता है जब हमारी पर्सनल इनकम आ जाती है, पर्सनल इनकम में से हम लेस करते हैं पर्सनल टैक्स और लेस करते हैं मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। पर्सनल इनकम आ गई हमारी 2050, माइनस करेंगे पर्सनल टैक्स, पर्सनल टैक्स की वैल्यू हमें गिवन है 50, मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 100, तो हम एज इट इज पर्सनल इनकम में से माइनस 2050 माइनस 50 माइनस 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1900, क्वेश्चन इज सॉल्व। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम एक और लेकर देखते हैं इस चैप्टर का, जीडीपी एफसी हमें गिवन है 3000, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 500, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जहां पर भी हमें कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आता है वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 100, इनडायरेक्ट टैक्स 300, सब्सिडीज दे रखी है हमें 200, हमें फाइंड करना है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। फ्रेंड्स, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम प्लस एनआईटी प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तीनों चीजें हम ऐड कर दे तो हमें मिल जाती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एनएनपीएफसी को हमें बताना है, और हमें क्या गिवन है, जीडीपीएफसी हमें गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यहाँ पर है नेट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नेट को हमें चेंज करना है, ग्रॉस से नेट पे आना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर हमारा है डोमेस्टिक से नेशनल, और हमें डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस के एनएफआई है, तो ये फॉर्मूला हमारा जीडीपी एफसी की वैल्यू हमें गिवन है 3000, हम एज इट इज 3000 रखेंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है 500 प्लस एनएफआई, एनएफआई का फॉर्मूला होता है रिसीव माइनस पेड, तो यहाँ पर हमें देखा है टू अब्रॉड, टू का मतलब पेड टू अब्रॉड, तो हम रिसीव्ड यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ, तो रिसीव्ड की जगह हम जीरो लेंगे और पेड की जगह हमारी वैल्यू आएगी माइनस 100। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3000 माइनस 500 प्लस माइनस माइनस के 100, सो ये हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी 2400, दैट इज एनएनपीएफसी। नेक्स्ट में हम देखेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए हमने 2400 जो हमारी एनएनपीएफसी निकली, प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमें इसमें नहीं दे रखे हैं, तो हम लेंगे 2400 प्लस 300 माइनस 200, आईटी की वैल्यू 300, सब्सिडीज की वैल्यू 200 प्लस 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400 प्लस 100 इक्वल्स टू 2500, दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।